कुछ क्वेश्चंस देखना है आप। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 - 2 iota मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 iota डिवाइड बाय 1 + 2 iota इनटू 2 - iota। कंजुगेट निकाल रहा है, कंजुगेट क्या होता था याद आ रहा है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी यदि है तो जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो पहले तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना होगा। यहाँ तो सब कुछ खच पच हो रखा है, मिक्स हो रखा है, दोनों को सेपरेट करना होगा। सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सेपरेट करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर में दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में जिस दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 6 -6 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा +9 आयोटा डिवाइड बाय 2 -2 आयोटा स्क्वायर +4 आयोटा माइनस आयोटा डेट इज इक्वल टू 6 आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -6 आयोटा स्क्वायर +6 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे ही इसको यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ये 12 +5 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना होगा, डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना होगा। तो अब लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 12 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा डेट इज इक्वल टू 12 4 = 48, 15 -15 आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा +15 +20 आयोटा -36 आयोटा डिवाइड बाय 4 4 = 16 +9 +12 आयोटा माइनस, ये क्या हो रहा है? 4 4 = 12 आयोटा -12 आयोटा। ओके, ये दोनों कैंसिल होने वाला था। 48 + 15 363 -16 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 25 + 16 आयोटा डिवाइड बाय 25। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन केयरफुली कैलकुलेट करना है। जरा सा मिस्टेक हुआ आंसर गलत आ जाएगा, जरा सा मिस्टेक हुआ और आंसर गलत हो जाएगा। लग रहा है ना? यस, इसमें कैलकुलेशंस बड़ा लेंदी लेंदी है एंड यू विल हैव टू डू ऑल दोस कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली। समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आने वाली बात तो है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए कि हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर्स दिए हुए हैं, चलो अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहला नंबर है जेड इज इक्वल टू 1 + iota डिवाइड बाय 1 - iota एंड डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को हटाना है तो 1 + iota से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होता है? 1 - 1 + 2 iota डिवाइड बाय 1 + 1 डेट इज इक्वल टू 2 iota डिवाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू जस्ट आयोटा। जेड इज इक्वल टू आयोटा, जो नंबर हमें मिला है ये सिर्फ आयोटा है। हमें निकालना क्या है इसका? मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। आर्ग्यूमेंट थीटा, थीटा क्या होगा? बिना कुछ किए इसको बता सकते हैं ना, पाई बाय 2। ये वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एक बार में लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, 1 डिवाइड बाय 1 + iota, इसको 1 - iota से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। 1 - iota दिस इज इक्वल टू 1 - iota डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 - iota डिवाइड बाय 2। मॉड्यूलस क्या होगा?
वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू। एंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस हाफ डिवाइड बाई प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस वन। और कौन सा, कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लेना होगा, यानी कि टू पाई माइनस पाई बाई फोर, दैट इज इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर। एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी डिवाइड बाई ए माइनस आयटा बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले तो उसको रैशनलाइज करना है, ए प्लस आयटा बी इंटू ए माइनस आयटा बी को, ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई ए माइनस आयोटा बी, दिस इज सॉरी इंटू ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई ए प्लस आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, एक्स प्लस आयोटा वाई दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा, ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों नंबर्स के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर है, ऑफ कोर्स हो गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड वाई की क्या वैल्यू आती है, टू ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहां पे आएगा टू ए स्क्वायर बी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए फोर प्लस बी फोर, और ये दोनों मिलकर क्या देगा, प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, ठीक है, दिस एंटायर थिंग दिस इज इक्वल टू वन। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स जैसा है, दिस इज प्योरली रियल। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको इसके डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को गायब करना होगा। तो जेड जो नंबर है हम लोग का, थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वन प्लस टू आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टू आयोटा साइन थीटा, यही करना होगा। ये क्या आएगा न्यूमरेटर में, अब थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस टू आयोटा साइन थीटा प्लस सिक्स आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये जेड जो है ये किसके बराबर है, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा, टू प्लस सिक्स एट आयोटा साइन थीटा
डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ये प्योरली रियल चाहिए। प्योरली रियल कब हो सकता है? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। रियल होने के लिए इस इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा। इमेजिनरी पार्ट को 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर को 0 होना होगा। न्यूमरेटर को 0 होगा मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन इंटू पाई। जब भी थीटा की वैल्यू पाई का मल्टीपल होगा, जब भी थीटा का वैल्यू पाई का मल्टीपल होगा, हम लोग का ये नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 16 भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा। 1 - iota डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा सब कुछ मिक्स हो रहा है, सब कुछ मिक्स होता जा रहा है। तो अब केयरफुली, बस केयर करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। ये तो रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3 माइनस आयोटा कॉस पाई बाय 3, तो माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे, साइन पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 1। यह पार्ट टू हो गया। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में क्या बचा है? कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3। अब हमें चाहिए क्या? इसका मॉड्यूलस चाहिए। सबसे पहले मॉड्यूलस चाहिए, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, एंड इसका स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। अच्छा, ये दोनों कैंसिल होगा, प्लस कहां से आया? ये तो माइनस था ना। लुक हियर, ये माइनस था ना, कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन बाई पाई बाई 3, तो यहां पे माइनस आएगा, यह माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 1, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 1। ये कॉस मॉड्यूलस क्या आ गया? सीधा सीधा 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस तो हम लोग को 2 आ गया। ओके, इसका स्क्वायर रूट भी लेना था, इसका स्क्वायर रूट भी लेना था, ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर था, तो हमारा मॉड्यूलस आ जाता है स्क्वायर रूट। एंड देन नाउ व्हाट? अब हम लोग को चाहिए इसका थीटा, तो लेट्स कैलकुलेट दिस जेड। कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू डालते हैं। कॉस पाई बाई 3 क्या होता है? 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, टैन थीटा हमें क्या मिलेगा? दिस नंबर डिवाइड बाई दिस नंबर माइनस ऑफ 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1।
ये टेन थीटा आएगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ये टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई बाई थ्री डिवाइड बाय वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन पाई बाई थ्री, इस पूरे का नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री का नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ऑफ टेन। एलसीएम 12 आ जाएगा, सेवन पाई बाई 12 का नेगेटिव है, तो थीटा कितना आया।